हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। गाइस, इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं व्यापम के किसी भी एग्जाम में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जिसको हम टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने एज का पार्ट थ्री लिया है। पार्ट वन और पार्ट टू हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो प्लीज उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में दादा बिली अपने पोते जैक की आयु के 3 गुने है। 10 वर्ष पहले जैक बिली की आयु का 1/5 था। 10 वर्ष बाद उनकी जैक बिली की आयु कितनी होगी? ये जो क्वेश्चन है एमपी पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? दादा बिली और पोते की आयु के 3 गुने हैं। तो बिली ले लेते हैं और एक क्या है जैक। जो बिली है वो जैक की आयु के 3 गुने हैं। तो यदि जैक की आयु आप ले लें 1, तो बिली की आयु कितनी हो जाएगी? 3। ये क्या है, इनका अनुपात है। कितना आ गया? 3:1। 10 वर्ष पहले ये जो है ये क्या है? वर्तमान अनुपात है। 10 वर्ष पहले यानी वर्तमान से 10 वर्ष पहले बिली की आयु का 1/5 था। कौन? जैक। यानी यदि बिली की आयु हम ले ले 5, तो जैक की कितनी होगी? 1। क्योंकि 1/5 का मतलब यही होता है, तो बिली की आयु का क्या है? 1। कौन है? जैक। तो इसका अनुपात कितना आ गया? 5:1। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पर 0 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। यहाँ पर डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, क्योंकि जितने वर्ष की कमी या वृद्धि बिली की आयु में होगी, उतने ही वर्ष की कमी या वृद्धि जैक की आयु में भी, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। तो इसका डिफरेंस सेम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 1 के बीच यानी बिली और जैक के बीच डिफरेंस इस तरह चेक करेंगे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर? 2 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 का। तो अब डिफरेंस सेम करने के लिए हम इस 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा? 12, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा? 4। अब इसके बीच डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। पर जो अभी ये डिफरेंस हमें मिल रहा है, ये डिफरेंस हमें अनुपात का मिल रहा है। एक्चुअल डिफरेंस कितने का है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10 वर्ष का। तो ये 2 ना होकर कितना है? 10 है। तो ये 10 इसका कितना गुना है? 5 गुना है। यदि आपको इसका गुना निकालना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, ये 2 ना होकर कितना है? 2 के बराबर है क्या? 10। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/2 यानी कितनी आ जाएगी? 5। यही इसका गुना यहाँ पर लिख देते हैं। आपको पिछले वीडियोज में भी बताया जा चुका है कि इसका गुना कैसे निकालते हैं, इससे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी होती। तो इसी प्रकार ये अनुपात भी इसका क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, और ये भी इसका क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? 12×5=60, 60 वर्ष, और ये क्या आ जाएगा? 4×5=20, 20 वर्ष। यानी ये क्या थी? ये बिली की आयु थी और ये जैक की। तो ये क्या थी? ये वर्तमान आयु थी। अब हमें ज्ञात क्या करना है? 10 वर्ष बाद की। तो वर्तमान से हम 10 वर्ष बाद में जाएंगे, तो इसमें इन दोनों में 10 वर्ष ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम 10 वर्ष बाद की आयु देख रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 70, और इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, जैक और बिली की आयु। तो जैक की आयु कितनी हो जाएगी? 30 साल, और बिली की आयु कितनी हो जाएगी? 70 साल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 3rd वाला। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है, और 4 वर्ष पूर्व अनुपात 1:7 था। 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2 मित्र कौन कौन है? ए और बी है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 1:4। ये क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 1:7 था। 4 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व।
इसका अनुपात कितना दिया गया है? 1:7। अब हमें 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0 का। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस सेम करेंगे। डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है? 3। और इस तरह देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 का। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 3। और 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। अब हमें सेम डिफरेंस मिल चुका है, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिफरेंस जो हमें 3 का मिला है, ये किसका? अनुपात का डिफरेंस मिला है। पर एक्चुअल डिफरेंस कितने का है? 4 साल का। तो ये 3 ना होकर क्या है? 4 है। तो ये इसका कितना गुना है? 4/3 गुना। यह कि आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, 3 किसके बराबर है? 4 के। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3 के। यही चीज यहाँ पर लिखी जाती है। तो इसी प्रकार ये अनुपात भी इसका क्या हो जाएगा? 4/3 गुना। और ये भी इसका क्या हो जाएगा? 4/3 गुना। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 6 तो 4 × 8 और 3 × 8 = 24। तो क्या आ जाएगा? 8 × 32 यानी 8 वर्ष और 32 वर्ष। क्या आ जाएगी? इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी, ए और बी की। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? 10 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष बाद की आयु इनकी देखेंगे तो इन दोनों में ही 10 ऐड हो जाएगा। तो 10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 18। और इसमें 10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 42 वर्ष। अब हमें अनुपात बताना है, तो जो इससे कैंसिल हो रहा है तो कट कर दें। 6 × 3 = 18, 6 × 7 = 42। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 3:7। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है? 3rd ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राजेश की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 2/5 है, यानी 2/5 यानी 2/5। तो 2 किसकी हो जाएगी? राजेश की। और 5 किसकी होगी? उसके फादर की। 8 वर्षों के बाद वह अपने पिता की आयु का आधा होगा। वर्तमान में उसके पिता की आयु कितनी है? तो यहाँ पर किसकी आयु दी गई है? राजेश और उसके पिता की। तो राजेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, राजेश की आयु कितनी हो जाएगी? 2। और पिता की कितनी हो जाएगी? 5। यानी अनुपात कितना हो गया? 2:5। अब इसके बाद 8 वर्षों के बाद वह अपने पिता की आयु का आधा होगा, यानी वर्तमान से 8 वर्ष के बाद अपने पिता की आयु का आधा होगा। कौन होगा? राजेश। तो यदि पिता की आयु का अनुपात ले लें 2, तो इसका क्या हो जाएगा? 1। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस सेम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम इस तरह इसका डिफरेंस देखेंगे, कितना आ रहा है यहाँ पर? 1 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। इस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 2। 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 5। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है? 1 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। यानी हमें सेम डिफरेंस मिल चुका है। पर जो ये हमें डिफरेंस अभी मिला है, ये अनुपात के रूप में डिफरेंस मिला है। एक्चुअल डिफरेंस कितने का है? 8 वर्ष का। यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 8, जो कि इसका कितना गुना है? 8 गुना। तो इसी तरह ये अनुपात भी इसका क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है? वर्तमान में पिता की आयु, तो ये किसकी थी? राजेश की थी। और ये पिता की थी, तो इसका 8 गुना क्या हो जाएगा? 16। और इसका 8 गुना कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। यही हमसे पूछा गया है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो कितनी है पिता की वर्तमान आयु? 40 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा 4th वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष पूर्व एक्स और वाई की आयु का संबंधित अनुपात 6:5 था। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। वाई की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान से 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है कितना? एक्स और वाई का 6:5। वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व का,
यहाँ पर वर्तमान में कोई आयु रही होगी, इससे पहले 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 6:5। अब इसके बाद क्या दिया गया है? 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा, यानी वर्तमान से 10 वर्ष पश्चात अनुपात कितना है? 8:7। अब y की वर्तमान आयु पूछी गई है, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है y की। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर? 2 का। और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। पर एक्चुअल डिफरेंस कितने का है यहाँ पर? 10 यहाँ पर और 5 ये, तो कितना हो गया? 15। यानी ये 2 ना होकर कितना है? 15 है। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा? 15/2 गुना। तो इसी प्रकार ये अनुपात भी इसका क्या हो जाएगा? 15/2 गुना हो जाएगा। तो चाहे आप 5 वर्ष पहले के अनुपात से निकालें इसका वर्तमान अनुपात, या कि 10 वर्ष बाद से निकालें। तो यदि हम इससे निकालेंगे, हमसे y का पूछा जा रहा है, तो इसका यदि 15/2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75/2। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5। यानी कि 5 वर्ष पहले y की आयु कितनी थी? 37.5 साल। तो अब 5 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 42.5 इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन भी ये कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 4th, नन, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष पहले माँ की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना थी। 5 वर्षों के बाद माँ की आयु उसके बेटे से 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का संबंधित अनुपात है। वर्तमान से 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? माँ की आयु बेटे की आयु की 3 गुना। तो यदि बेटे की आयु यहाँ पर 1 ले लें तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 3। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 3:1। ये क्या है? 5 वर्ष पहले का ये माँ का अनुपात होगा, और ये क्या हो जाएगा? बेटे का अनुपात। अब इसके बाद क्या दिया गया है? 5 वर्षों के बाद, यानी वर्तमान से 5 वर्ष के बाद माँ की आयु उसके बेटे से 2 गुनी होगी। तो माँ की आयु यदि हम ले लें 2, तो बेटे की आयु क्या हो जाएगी? 1। ये क्या आ गया हमारे पास अनुपात के रूप में? 2:1। हमसे पूछा क्या जा रहा है? उनकी वर्तमान आयु का संबंधित अनुपात है। इसे आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है? 0 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। अब हम इसका डिफरेंस सेम करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ रहा है डिफरेंस? 1 का। और यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 का। इस 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 3। और 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 1। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4। और 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 1। और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आएगा? 1। अब हमें सेम डिफरेंस यहाँ पर मिल चुका है, और ये जो हमें डिफरेंस अभी मिला है तो ये क्या है? अनुपात के रूप में डिफरेंस मिला है। हमें एक्चुअल डिफरेंस कितना दिया गया है? 5 और 5 10 का, यानी ये 1 ना होकर कितना है? 10 है। तो 10 इसका कितना गुना है? 10 गुना है। तो ये अनुपात भी क्या हो जाएगा इसका? 10 गुना। तो ये जो है क्या है? 5 वर्ष पहले का है। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 30। और इसकी क्या हो जाएगी? 10। ये क्या है? माँ की आयु है और इसके सन की आयु है। अब 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान में जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 5 दोनों में ऐड होगा, तो 5 इसमें ऐड होगा माँ की आयु में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 35 वर्ष। और सन की आयु में 5 वर्ष ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। अब हमसे इसका अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसे जो कैंसिल हो रहा है तो कट कर दें, 5 7 35 और 5 3 15। तो अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7:3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 4th वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 12 साल बाद X और Y की आयु का अंतर 15 हो जाता है तो X की वर्तमान आयु कितनी है? X और Y की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, कितना है? 3:2। 12 साल बाद X और Y की आयु का अंतर 15 हो जाता है। तो आप इस चीज को यहाँ पर समझिए कि आयु का जो अंतर होता है, यानी जैसे x की आयु है और y की आयु है, तो वर्तमान में जितना अंतर होगा, तो आप चाहे 12 वर्ष पहले की आयु देखें या 12 वर्ष बाद की, अंतर हमेशा सेम ही रहेगा। इसलिए जितना अंतर यहाँ पर अभी आएगा उतना अंतर 12 साल बाद भी आएगा।
तो अंतर अभी यहाँ पर कितना आ रहा है, डिफरेंस एक, तो एक साल का डिफरेंस 12 साल के बाद भी आएगा। पर जो हमें एक्चुअल डिफरेंस मिलेगा, ये अभी हमें डिफरेंस किसका मिल रहा है, अनुपात के रूप में डिफरेंस मिल रहा है। पर हमें एक्चुअल डिफरेंस कितना दिया गया है, 15 का, यानी ये एक ना होकर कितना है, 15 है। तो इसका कितना गुना है, 15 गुना है। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसका 15 गुना तो कितना हो जाएगा, 45, और इसका 15 गुना कितना हो जाएगा, 30। एक्स की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, तो एक्स की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ललिता 40 वर्ष की है और सामिना 60 वर्ष की है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 रहा होगा। ललिता वर्तमान में कितनी है, 40 वर्ष की, और सामिना कितनी है, 60 वर्ष की। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। जितने वर्ष पहले, पहले का पूछा जा रहा है इसलिए हम माइनस करेंगे। तो मान लेते हैं कि टी वर्ष पहले, तो इन दोनों में से हमें टी माइनस करना पड़ेगा। 40 माइनस टी करेंगे और 60 माइनस टी करेंगे तो और अनुपात कितना दिया गया है, 3:5। यानी कि इसका मतलब हो गया कि टी वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40 × 5 = 200 माइनस 5t इक्वल टू 60 × 180 माइनस 3t। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 माइनस 180 तो कितना आएगा, 20, और 5t में से 3t जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2t। t की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा, 3:5 रहा होगा। यदि आप इसे चेक भी करना चाहें तो जैसे वर्तमान आयु कितनी है, 40 और 60 है, तो 10 वर्ष पहले जाएंगे तो इनकी अनुपात कितने हो जाएगा, 30, और 60 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50। अब इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो जो इससे कैंसिल हो रहा है तो कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3:5। यही हमें बताया गया है कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु 2:3:5 के अनुपात में है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 30 था, उनकी वर्तमान आयु को ज्ञात करें। तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितनी दी गई है, 2:3:5। 10 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान से 10 वर्ष पहले आयु का योगफल कितना दिया गया है, 30 वर्ष। तो यदि हम आयु का योगफल वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले का आयु का योगफल था, तो यदि वर्तमान में आएंगे तो 10 वर्ष तीनों में ऐड होगा तो कितना ऐड हो जाएगा इसमें, 30 वर्ष। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60 वर्ष। तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु का योगफल हो जाएगा। पर यदि हम अनुपात के रूप में इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 3 = 8 = 10, तो कितना आया, 10। पर एक्चुअल है कितना, ये 60 है, तो ये इसका कितना गुना है, 6 गुना है। तो इसी प्रकार ये अनुपात भी क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो 2 × 12, 3 × 18 और 5 × 30। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, 12, 18, 30, ये सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु के 3 गुना थी, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की 5/3 गुना होगी, स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान से 6 वर्ष पहले की आयु का दिया गया है, कितना है, 3 गुना थे किसकी, स्नेहल सुशील की आयु स्नेहल की आयु की। स्नेहल को हम ले लेते हैं एन और सुशील को ले लेते हैं एस। तो 6 वर्ष पहले की बोला गया है, यानी वर्तमान से 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की 3 गुना थी। तो स्नेहल की आयु यदि ले लें 1 तो सुशील की कितनी हो जाएगी, 3। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। 6 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 6 वर्ष बाद स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी किसकी, सुशील की आयु। तो सुशील की कितनी हो जाएगी, 5, और स्नेहल की कितनी हो जाएगी, 3। यदि इसमें से आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखना है तो आप यहाँ पर समझिए, सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी। तो स्नेहल को हमने लिया है n, तो इसकी 5/3 गुना होगी किसकी, सुशील की आयु।
तो सुशील को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर तीन इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/5। यानी स्नेहन का अनुपात कितना होगा, 3, और सुशील का कितना होगा, 5। यही हमने यहाँ पर लिया है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 3 के बीच डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2, और यहाँ पर डिफरेंस कितने आ रहा है, 2। हमें डिफरेंस सेम मिल रहा है इसलिए हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अनुपात के रूप में डिफरेंस मिला 2, पर एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, 12 वर्ष का। यानी ये 2 ना होकर कितना है, 12 है। तो 12 इसका कितना गुना है, 6 गुना है। तो अब आपको स्नेहल की वर्तमान आयु बताना है, तो आप चाहे इस अनुपात से निकालें या इस अनुपात से, दोनों से हमें वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो यदि हम इसका 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 6, और इसका 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। स्नेहल की वर्तमान आयु बताना है, ये 6 वर्ष पहले की आयु है तो कितनी है, 6, तो वर्तमान में आएंगे तो कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष, क्योंकि इसमें 6 ऐड हो जाएगा। तो वर्तमान आयु इसकी स्नेहल की कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 4th वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्तियों राघव, अमित और सुरेश की वर्तमान आयु क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था, उनकी क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात करें। राघव, अमित और सुरेश, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 7:4:9। 8 वर्ष पहले यानी वर्तमान से 8 वर्ष पहले आयु का योगफल कितना है, 56 वर्ष। यदि हम वर्तमान में आएंगे तो इनका वर्तमान आयु का योगफल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 वर्ष तीनों में ऐड होगा तो कितना ऐड होगा, 24 वर्ष। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 4 10 का 0 कैरी 1 5 2 7 1 8। ये क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु का योगफल हो जाएगा। पर अनुपात के रूप में यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 11 9 20। पर एक्चुअल कितना है, 80 है। तो 80 इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो इसी प्रकार ये अनुपात भी इसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 7 4 28 4 4 16 और 9 9 36। 28 16 और 36 इसके आंसर हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3rd वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नायक और ब्रजेश की आयु का अनुपात 7:2 है, उनकी आयु का गुणनफल 504 वर्ष है, 18 वर्ष बाद उनकी आयु का संबंधित अनुपात क्या होगा। नायक और ब्रजेश की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 7:2। इनकी आयु का गुणनफल, इनका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x × 2x = 504, 7 × 14 x² = 504। x² = 504/14 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 6। तो नायक की आयु क्या हो जाएगी, 7x यानी 7 × 6 = 42। और ब्रजेश की आयु कितनी हो जाएगी, 2x यानी 2 × 6 = 12। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 18 वर्ष बाद इनकी आयु का संबंधित अनुपात। तो 18 वर्ष बाद यदि नायक की आयु देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 + 18 करेंगे, और ये ब्रजेश की आयु में भी क्या करेंगे, 12 + 18, क्योंकि 18 वर्ष बाद की आयु होगी। 8 2 10 के 0 कैरी 1 4 1 5 1 6, 8 2 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 और 1 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60 वर्ष और 30 वर्ष। पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, अनुपात, तो जो इससे कैंसिल हो रहा है तो कट कर देंगे, 30 1 = 30 30 × 60। तो अनुपात हमें क्या मिल जाएगा, 2:1, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, ये 4th ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयु के विषय में पूछे जाने पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरी आयु 2 3 3 6 12 और 36 का लघुत्तम समापवर्त है, उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम निकाल देना है, 2 3 3 6 12 और 36, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से इसे कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 1 + 2 यहाँ पर 3 3 2 3 6 2 6 12 और 18 2 36। अभी भी ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो कट करेंगे, 1 3 3 3 2 3 6 और 2 9 18। अब इसे 3 से कैंसिल करेंगे, 1
एक और एक यहां पर कितना आ जाएगा, तीन त्रिकाई नौ। अभी भी एक बार तीन से कैंसिल हो रहा है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक 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 और एक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, दो दुना चार, चार त्याई बारह और बारह त्याई छत्तीस। तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी उस व्यक्ति की, 36 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीन। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ट्रेन द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस चलता है, पूरी यात्रा में 4 घंटे 48 मिनट लगे, उसने कुल कितनी दूरी तय की। यहाँ पर कोई दूरी रही है इसके और इसके बीच, जो कि आदमी जाता किस स्पीड से है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और लौट कर आता किस स्पीड से है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। क्या है, ये लौट रहा है और ये जा रहा है। अब उसे दोनों तरफ यानी जाने और आने में टोटल मिलाकर समय कितना लगता है, 4 घंटे 48 मिनट। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसने कुल कितनी दूरी तय की, हमसे एक बार की, यानी ये हमसे दूरी पूछी जा रही है कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। हमें यहाँ पर जाने और आने की दोनों का स्पीड अलग अलग दिया गया है, इसलिए हम इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2xy/x + y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो 2 20 और 4 अपान 20 + 4। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, डी दुना 40, 40 चौको कितना आ जाएगा, 160/24। अभी ये 4 से कैंसिल हो रहा है तो कट कर देंगे, 4 चौको 16 और ये 0, 4 6 24। 2 से कैंसिल हो रहा है 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, कुल कितनी दूरी तय की। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी क्या आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या आ गई, 20/3, और टाइम क्या है हमारे पास, 4 घंटे 48 मिनट। तो यदि मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48/60। इसे कैंसिल करेंगे तो 12 चौक 48, 12 5 60। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20/3 मल्टीप्लाई 4 5 20, 4 24/5। इसे कैंसिल हो रहा है तो कट कर दें, 5 चौक 20, 3 8 24। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 चौक 32, 32 किलोमीटर। लेकिन ये जो हमें 32 किलोमीटर अभी मिल रहा है, तो ये जाने और आने दोनों की दूरी है, पर हमें सिर्फ दूरी बताना है कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 32/2, तो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर। यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रघुपति और परमेश्वर की आयु क्रमशः 5:7 के अनुपात में है, 16 वर्ष पहले उनकी आयु क्रमशः 3:5 के अनुपात में थी, परमेश्वर की वर्तमान आयु है। रघुपति और परमेश्वर की आयु कितनी दी गई है, 5:7 इनका अनुपात दिया गया है। 16 वर्ष पहले यानी वर्तमान से 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3:5। परमेश्वर की वर्तमान आयु आपको बतानी है। इसका डिफरेंस यदि हम देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। हमें सेम डिफरेंस मिल रहा है, तो अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। पर ये अनुपात के रूप में हमें डिफरेंस मिला था, एक्चुअल डिफरेंस इसका कितना है, 16 वर्ष, यानी ये 2 ना होकर कितना है, 16। ये इसका कितना गुना है, 8 गुना है। तो इसी प्रकार ये भी इसका क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। हमसे परमेश्वर की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो क्या हो जाएगी, 7 8 56, ये 56 वर्ष। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। गाइज, आज की वीडियो सीरीज में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।